अरे अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अरे अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी तो लांघा है समंदर, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो आइए अभी अब हमारे साथ आप लोग भी समंदर को छोड़ करके आसमान की लांघने की बात करते हैं। तो आसमान कौन हो गई? जीके, मैथ, जो हमारी हो जाती है मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग, इसका तो दायरा अभी जो चल रही है वो जो समंदर तक है। लेकिन आसमान की नापने की बात करते हैं तो आसमान जो होती है हमारी जीके और करेंट अफेयर्स। तो जीके के लिए मैं कहना चाहता हूँ आप सभी को, अगर जो आसमान को नापना है, आसमान की ऊंचाई है, आसमान को अगर जो घूमना है, तो हमारे साथ आपकी अपनी परिवार रुक्मिणी परिवार जो है, रुक्मिणी परिवार में आप सभी लोग बने रहें। और सभी को शुक्रवार की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। विश्व दिवस जो आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है, वो सबको आप लोग के भी बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। तो आइए आज हम जो बात करने वाले हैं 7 अप्रैल स्वास्थ्य दिवस के बारे में। सबसे पहले तो देख लीजिए आज क्या है, 7 अप्रैल, 7 अप्रैल, 7 अप्रैल के जो है, 7 अप्रैल को हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या चीज? विश्व स्वास्थ्य दिवस, स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस का मतलब WHO। क्या चीज? WHO, विश्व स्वास्थ्य दिवस, WHO। इसका इस बार जो जो 2023 है उसका थीम क्या है, तो थीम के बारे में हम बात कर लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस की जो थीम है, थीम यानी मुख्य वाक है, क्या चीज़ है स्वास्थ्य दिवस की, WHO का जो मुख्य वाक है वो क्या चीज़ है? हेल्थ फॉर ऑल। क्या चीज़? हेल्थ फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल। तो हेल्थ फॉर ऑल है इसका थीम। अब बात कर लेते हैं कि जो स्वास्थ्य दिवस, जो WHO का मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय इसके जान लेते हैं। मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय इसका जनेवा में है। कहाँ? जनेवा। जनेवा कहाँ पड़ता है? तो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। उसके बाद बात कर लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई है, इसकी स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना जो हुई है, इसकी स्थापना 7 अप्रैल, 7 अप्रैल, 7 अप्रैल 1948 ईस्वी के, यानी WHO की स्थापना जो हुई है 7 अप्रैल 1948 ईस्वी के। WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो जनेवा में है। या अभी 2023 का जो WHO का मुख्य थीम, मुख्य वाक्य जिसको हम कह सकते हैं, मुख्य वाक्य क्या चीज़ है? हेल्थ फॉर ऑल। और आज शुक्रवार है और आज आप सभी को हेल्थ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि सभी लोग स्वस्थ रहेंगे तभी तो पढ़ाई करेंगे। स्वस्थ जीवन यापन कीजिए और अपना विकास कीजिए। तो आज स्वस्थ दिवस को हम लोग अच्छी ढंग से स्वस्थ दिवस मनाएंगे और इसका जो है बढ़िया से जो थीम हमारी है वो सभी को स्वस्थ रखने का कोशिश भी करेंगे। तो और कुछ इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। और इसके बारे में अभी जो हाल फिलहाल की चर्चा में चल रही है, मच्छर कहां बैठ जाती? हाल फिलहाल में जो चर्चा में हमारी चल रही है, क्या चल रही है? GI टैग। GI टैग, GI टैग क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मतलब किसी भी क्षेत्र का ज्योग्राफिक यानी भौगोलिक जो चिन्ह होता है उसको हम लोग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कहते हैं। तो जो 2023 जो हमारी चल रही है यानी 31 मार्च, ये जो GI टैग जो है 2023 में 31 क्षेत्र को भारत में 33 क्षेत्र जो है 33 क्षेत्रों में GI टैग मिला है। कितना क्षेत्रों में मिला है? 33 क्षेत्रों में GI टैग मिला है। तो 33 क्षेत्रों में GI टैग मिला है। और कब मिला है 2023 में? तो 31 मार्च को आया है।
कब 31 मार्च को जो है जीआई टैग जो है 33 को मिला है। आप सोच रहे होंगे कि इतनी लेट से क्यों लाए, ये तो 31 मार्च को मिला है, आज 7 अप्रैल हो गई। तो इसके बारे में पूरा बढ़िया से अभी डिटेल से नहीं बताया गया था और परसों ही इसके बारे में डिटेल से बताया गया है। तो चूंकि मेरा कल क्लास का बंद था क्योंकि जो लाइब्रेरी ओपन हो रही है उसमें कुछ ज़्यादा व्यस्त हो गए थे, इसी कारण जो है मेरा कल बंद हो गया था, इसके बाद मैं आज लेकर आया हूँ। तो जीआई टैग के बारे में बता देते हैं कि ये जो क्षेत्रीय यानी क्षेत्रीय भौगोलिक जो चिन्ह होता है उसको हम लोग जीआई टैग करते हैं। तो 33 क्षेत्रों में जीआई टैग मिला है और सबसे अधिक जो जीआई टैग है सबसे अधिक उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु को दिया गया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के तो बारे में जानते हुए जो बनारस है उस स्थान का जो सांसद है हमारे भारत के पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी, तो श्री नरेंद्र मोदी हैं तो उनको सबसे ज़्यादा और तमिलनाडु को सबसे ज़्यादा जीआई टैग मिला है। बिहार को भी एगो मिला है, पूछ देगा कि कौन सा राज्य को कितना जीआई टैग जो 2023 में दिया गया है, तो बिहार को 1 दिया गया है, उत्तर प्रदेश को 10 दिया गया है, मध्य प्रदेश को 1 दिया गया है, छत्तीसगढ़ को 1 दिया गया है, तमिलनाडु को 11 दिया गया है और लद्दाख को 1 दिया गया है। और जम्मू कश्मीर के बात कर लेते हैं तो जम्मू कश्मीर के पूरे 8 जीआई टैग दिया गया है। उसके बाद देख लेते हैं प्रमुख जीआई टैग, जो हमारे प्रमुख जीआई टैग है वो किनको, वो कहाँ कहाँ कौन सा दिया गया है। सोजत मेहंदी जो है राजस्थान के, सोजत मेहंदी यानी मेहंदिया जो लड़कियां लगाती है शादी में, यहाँ तक जो मेहंदिया लगाती है उसी को हम लोग सोजत मेहंदी कहते हैं। उसका इमेज नहीं मिल पाया क्योंकि हर एक इमेज में कॉपीराइट था, इसीलिए मैं नहीं ले पाया। और मैं बता देता हूँ कि मेहंदी जो हाथ उथ में लगाते हैं आप लोग उसी को हम लोग सोजत मेहंदी कहते हैं। और राजस्थान, और ये जो टैग है सोजत मेहंदी वो राजस्थान का है। क्योंकि डिंडीगुल ताले जो है तमिलनाडु का है। शाही लीची मुजफ्फरपुर का जो शाही लीची है वो बिहार का है। बिल्लो क्रिकेट बैट कश्मीर का है। तेजपुर लीची जो है असम का। ध्यान में देखिएगा, शाही लीची की अगर जो बात करती है तो बिहार के मुजफ्फरपुर के जो है शाही लीची, अगर जो तेजपुर लीची की बात करती है तो असम वाले तेज होते हैं। तो तेजपुर कहाँ, असम की कहाँ, असम की जो जीआई टैग है तेजपुर लीची, और बिहार के जो जीआई टैग है वो शाही लीची है। तो कन्याकुमारी यानी कि हुआ का जीआई टैग है कन्याकुमारी, कहाँ की, तो तमिलनाडु के। कड़कनाथ मुर्गा जो कड़कनाथ होता है वो काले रंग का होता है, वही मुर्गा को मध्य प्रदेश को जीआई टैग बनाया गया है। कड़कनाथ मुर्गा को कहाँ का जीआई टैग बनाया गया है, तो मध्य प्रदेश का जीआई टैग बनाया गया। अलीबाग सफ़ेद प्याज जो है महाराष्ट्र का जीआई टैग मिला है। कहाँ का, अलीबाग सफ़ेद प्याज जो है महाराष्ट्र का जीआई टैग है। एक बार सभी जीआई टैग को हमारे साथ बात डिस्कशन कर लेते हैं क्योंकि बिहार के एग्जाम में जो आएगी वो जीआई टैग से ही यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर रहेगी। तो हमारे साथ आप लोग भी जीआई टैग को एक बार फिर से बोल कर रिवीजन कर लीजिए। अगर जो हम बात करते हैं सोजत मेहंदी राजस्थान वाले जो लड़कियां हैं सोजत मेहंदी का उपयोग करते हैं, तो याद करना होगा सोजत मेहंदी तो राजस्थान। डिंडीगुल ताले तमिलनाडु, डिंडीगुल ताले से इधर याद कर लीजिए तमिलनाडु, डिंडीगुल ताले तमिलनाडु। शाही लीची की अगर जो बात कर लेती है तो बिहार, शाही लीची बिहार। अगर जो तेजपुर लीची की बात कर ली जाती है तो असम, तेजपुर असम शाही बिहार। आप लोग भी हमारे साथ बोलिए। बिल्लो क्रिकेट बैट यानी कि जम्मू कश्मीर देखते होंगे तो जंगल ज़्यादा है, पहाड़ क्षेत्र ज़्यादा है, तो वहाँ बिल्लो का जो है बैट बनाया जाता है। बिल्लो एक पेड़ है, उसी का बैट बनाया जाता है, तो कहाँ, कश्मीर में। उसके बाद देख लीजिए कन्याकुमारी तमिलनाडु में ही है, तो कन्याकुमारी को जीआई टैग मिला है तमिलनाडु को। और कड़कनाथ मुर्गा काले रंग का मुर्गा है, तो ये जान लीजिए मध्य प्रदेश में जो है जनजाति ज़्यादा है,
तो हुआ काले का कड़कनाथ की यानी कड़क मुर्गा रखता है, जिसको कड़क मुर्गा यानी कि मुर्गा कड़र है तो उसको चिबाने में दिक्कत, आदिवासी लोग ऐसे चिबा जाता है। तो मध्य प्रदेश में ज़्यादा आदिवासी तक कड़कनाथ मुर्गा मध्य प्रदेश। अलीबाग सफ़ेद प्याज, अलीबाग सफ़ेद प्याज कहाँ का जीआई टैग है, तो महाराष्ट्र का जो जीआई टैग है, क्या चीज़, अलीबाग सफ़ेद प्याज है, महाराष्ट्र का जीआई टैग है। उसके बाद बताते हैं बसोहली, यहाँ लिखने में मिस्टेक कर दिया, बसोहली पेंटिंग किस राज्य या केंद्र शासित से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, जिसे क्या चीज़, हाल ही में जीआई टैग मिला है। तो बसोहली मेहंदी, बसोहली पेंटिंग जो है, बसोहली पेंटिंग किस केंद्र शासित या किस राज्य का है जो जिसे जीआई टैग मिला है, क्या चीज़, जिसे जीआई टैग मिला है, तो जम्मू कश्मीर हो जाएंगे हमारे, कि क्या चीज़ हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को ये जो बसोहली पेंटिंग आपको दिखाई दे रही है, बसोहली पेंटिंग ये एक हस्तलिपि है, तो हस्तलिपि है। जम्मू लिख देते हैं, जम्मू कश्मीर को पहली बार हस्तलिपि में जीआई टैग मिला है, क्या चीज, जीआई टैग मिला है, टैग मिला है यानी कि जो जम्मू कश्मीर है इसको हस्तलिपि में, यानी हस्तलिपि, आप सोच रहे होंगे बसोहली पेंटिंग क्या है, तो देख लीजिए यही है बसोहली पेंटिंग। बसोहली पेंटिंग का सबसे खासियत क्या चीज़ है, इसका जो ये बॉर्डर आपको दिखाई दे रहा है, ये बॉर्डर आपको दिखाई दे रहा है, या तो पीला होगा या तो नीला होगा या तो हरा होगा, क्या चीज़ होगा, हरा होगा, क्या जी, इसका जो, सॉरी हरा नहीं होगा, ये जो आपको बॉर्डर दिखाई दे रही है ये जो पीला रंग से, तो ये जो बसोहली पेंटिंग का मुख्य आकर्षक है वो क्या चीज़ है, इसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर जो है या तो पीला होगा या तो लाल होगा या तो नीला होगा, तो इसी का जो है जीआई टैग बसोहली पेंटिंग इसी को कहते हैं। इसका बॉर्डर जो है, इसका बॉर्डर मुख्य रूप से दर्शाता है कि इसका बॉर्डर किस कलर का है। तो अगर जो तीन कलर को आपको दिखाई दे, पीला, लाल और नीला, तो ये मान लीजिएगा कि ये बसोहली पेंटिंग है। और बसोहली पेंटिंग कहाँ का है, तो जम्मू कश्मीर को है, कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का है। जम्मू कश्मीर को बताएं कि 2023 में कितना टैग दिया गया है, तो जीआई टैग कितना मिला है, तो 8 जीआई टैग मिला है, कितना मिला है, 8 जीआई टैग मिला है। उसके बाद देख लेते हैं, और जीआई टैग जो है बसोहली पेंटिंग के लिए, क्या चीज, बसोहली पेंटिंग है जो मुख्य, इसमें से कौन कौन से व्यक्ति संबंधित हैं, तो एगो संग्राम पाल है, क्या चीज़, संग्राम पाल हैं और एगो कृपाल पाल है। संग्राम पाल है और एगो क्या चीज़ है, कृपाल पाल है, जिसको बसोहली के पेंटिंग के लिए, तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा आपका, जम्मू कश्मीर को, किसको, जम्मू कश्मीर को। और बताएं कि 2023 में मिला है तो टोटल 33 टैग मिला है, 31 मार्च को ही दिया गया था, कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, यही है बसोहली पेंटिंग, और इसका तीन कलर बॉर्डर जो होना चाहिए, वो तीन कलर होना चाहिए, लाल होना चाहिए, पीला होना चाहिए और क्या चीज़, नीला होना चाहिए। तो यही बॉर्डर इसका कैसा होना चाहिए, लाल होना चाहिए, पीला होना चाहिए और नीला होना चाहिए, ये बसोहली पेंटिंग का है। उसके बाद देख लीजिए, बिहार के किस जिले में उत्पादन होने वाला सुगंधित मरचा चावल का जीआई टैग मिला है, तो बिहार के किस जिले का, तो पश्चिमी चंपारण है, उसको क्या चीज़, बिहार में अभी जाने हैं कि 2023 में जो है, 2023 में बिहार को, बिहार 2023 में बिहार को मात्र एक ही जीआई टैग मिला है, वो कौन सा जीआई टैग मिला है, तो मरचा चावल। तो कुल मिलाकर के
बात कर लेते हैं कुल मिलाकर के, अब बिहार को 6 गो टैग मिल चुका है। क्या चीज़? बिहार को जो है अब 6 टैग मिल चुका है। अब सोच रहे होंगे कि कौन कौन टैग मिल चुका है, तो वो सबसे पहले तो मरचा चावल, मगध का मगही पान, मुजफ्फरपुर का लीची, मुजफ्फरपुर का शाही लीची, और खाद में ये सब है। और अगर जो बात कर लेते हैं उत्पादन के क्षेत्र, खाद के क्षेत्र में खाने और क्या चीज़, एक बार लिख लीजिए, सिलाब का खाजा है, इसे भी GI टैग मिल चुका है। तो बिहार को अभी कितना GI टैग मिल चुका है? 6 GI टैग मिल चुका है। कहाँ मक्खी बैठी है भाई? मक्खी बैठ जाता है ना, बहुत परेशान करता है। तो यह देखिए, मरचा चावल की अगर जो बात कर लेते हैं तो यही है मरचा चावल। क्या चीज़? यही है मरचा चावल, देख लीजिए। इसको अगर जो बात करते हैं, मरचा चावल को चूड़ा बनाया जाता है, और क्या चीज़ बोलते हैं उसको, फुला करके जो बनाते हैं, पोहा बनाया जाता है। तो इसका पोहा और चूड़ा अगर जो हम बात करते हैं, तो इसका पोहा और चूड़ा बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। किसका? मरचा चावल। मरचा चावल कहाँ का है? तो पश्चिमी चंपारण, बिहार का जिला जो है पश्चिमी चंपारण, उसको GI टैग मिला है 2023 में। तो मात्र एक को ही मिला है। किसको मिला है? बिहार में एक को ही मिला है। तो किसको मिला है? सिर्फ यही मरचा चावल को मिला है। अब बात कर लेते हैं किस राज्य के बनारस लंगड़ा आम को GI टैग मिला है। तो बनारस जैसे ही आपको दिखाई दे, तो बनारस कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश को लंगड़ा आम GI टैग मिला है। अब देखिए लंगड़ा आम क्या चीज़ है, तो यही आम को हम लोग लंगड़ा आम कहते हैं। आम की सीजन आने वाली है, और कहिए तो छोटा छोटा तो हो चुकी है, जिसको हम लोग अमौरी कहते हैं। तो यही आम खाइए और खूब लुफ्त उठाइए। तो ये जो लंगड़ा आम है, उसको GI टैग, उत्तर प्रदेश के GI टैग मिल चुका है। ऐसे तो अगर जो हम आम की बात कर लेते हैं, तो आम बिहार में भी बहुत होती है, लेकिन क्या कीजिएगा, GI टैग बिहार को मिलना चाहिए, बिहारी आम को। तो मिल गया है उत्तर प्रदेश में जो लंगड़ा आम है। तो लांगड़ कितना देर ही सक्सेस करेगा, क्योंकि वहाँ के जो संसद हैं PM नरेंद्र मोदी जी, तो वही हैं जो कि GI टैग दे चुके हैं, 10 गो GI टैग। फिर देख लेते हैं नीचे, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किन उत्पादों को GI टैग मिला है। तो GI टैग किन उत्पादों को मिले हैं? तो बनारसी लंगड़ा आम, बनारसी पान, सफ़ेद भंटा, आदम चीनी चावल, उपयुक्त में से सभी। तो यानी सभी को जो है उत्तर प्रदेश का उत्पादों में GI टैग मिला है। बनारसी लंगड़ा आम अभी आपको बता दिए हैं, बनारसी पान को भी GI टैग पहले से मिल चुका है। आप जानते होंगे कि एक गाना भी है, खाए के पान बनारस वाला, ये जो गाना है बहु काफ़ी फेमस गाना है। तो उसके इस तो ये जो पान है बनारसी पान, उसको भी GI टैग मिल चुका है। सफ़ेद भंटा के मतलब आप सोच रहे होंगे कि सफ़ेद भंटा क्या है, तो सफ़ेद बैंगन आप लोग मार्केट में देखे होंगे। क्या चीज़? सफ़ेद बैंगन, इसका चोखा जो होता है बहुत स्वादिष्ट होता है। तो लिट्टी चोखा खूब खाइए, बिहार का ऐसे भी फेमस भोजन है जो लिट्टी चोखा है। तो सफ़ेद भंटा क्या चीज़ है? सफ़ेद भंटा यानी सफ़ेद बैगन होता है, जिसका चोखा उखा बनता है, बहुत अच्छा। आदम चीनी चावल भी है, जिसको हाल ही में 2023 में क्या चीज़, GI टैग मिल चुका है। तो इतने चीज़ों को जो है GI टैग उत्तर प्रदेश में दिया गया है। और ऐसा चीज़ है, क्योंकि 10 GI टैग आप लोग को हम बताए हैं। और देख लीजिए, यही है बनारसी पान। ओह, बहुत लाजवाब है, ऐसा देखे तो मुंह में पानी आ गया।
क्या आप लोग को ही आइए गया होगा, यही है बनारसी पान। अगर जो बात करते तो सफ़ेद भंटा जो है, यही है सफ़ेद भंटा। ये आपको सफ़ेद बैगन दिखाई दे रही है, यही सफ़ेद बैगन को जो है उत्तर प्रदेश में GI टैग मिला है। क्या चीज़? सफ़ेद बैगन को, इसका चोखा बहुत स्वादिष्ट होता है। नेक्स्ट देख लीजिए, यही है जो आपको चावल जो बता रहे थे आपको, देख लीजिए जो, यानी आदम चीनी चावल, आदम चीनी चावल है जो, यही है आदम चीनी चावल, देख लीजिए इसको। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं, RBI का कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? RBI, तो RBI के बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं, RBI के बारे में कुछ हम बात कर लेते हैं। तो RBI के फुल फॉर्म क्या होता है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, इंग्लिश में अगर जो इसको कहते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब बताते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI की स्थापना कब हुई है, तो स्थापना कब हुई है, स्थापना देख लीजिए, स्थापना इसका 1935 ईस्वी में हुई है। और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो राष्ट्रीयकरण इसका कब किया गया था, राष्ट्रीयकरण तो इसका RBI का जो राष्ट्रीयकरण है 1948 ईस्वी में किया गया था, यानी 1948 ईस्वी में RBI का जो है राष्ट्रीयकरण हो गया है। अब इसका बात कर लेते हैं मुख्यालय कहाँ है इसका, तो RBI का मुख्यालय जो है, RBI का मुख्यालय कहाँ है, तो RBI का मुख्यालय मुंबई है, कहाँ है, मुंबई है। RBI का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है, मुंबई में है। उसके बाद अगर जो और बात कर लेते हैं, और बात कर लेते हैं RBI का जो गवर्नर है, वर्तमान गवर्नर अगर जो अभी RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास हैं। अगर जो और कुछ हम RBI के बारे में बात कर लेते हैं, ये शक्तिकांत दास हैं जो 25वें नंबर का गवर्नर हैं, कैमें नंबर का, 25वें नंबर के। इससे पहले कौन थे, 24वें नंबर के जो थे उनका नाम था उर्जित पटेल, क्या चीज़, उर्जित पटेल जो हैं वो 24वें नंबर का गवर्नर थे, वो हाल फिलहाल में ही ख़त्म हो गए हैं। और 25वें जो गवर्नर है कौन है, शक्तिकांत दास है, 25वें गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। अब बात कर लेते हैं RBI के प्रथम गवर्नर कौन है, तो सर ओ सर्व अस्मिथ जो है प्रथम गवर्नर। और राष्ट्रीयकरण यानी भारतीय के बात कर लेते हैं, तो भारत के जो प्रथम गवर्नर है, भारत का प्रथम गवर्नर कौन है, भारतीय होना चाहिए, CD देशमुख, क्या चीज़, CD देशमुख जो है भारत का प्रथम गवर्नर है, क्या चीज़, CD देशमुख जो है भारत का प्रथम गवर्नर है। तो यही, लेकिन आंसर मार लीजिए, RBI के कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है हाल फिलहाल में, तो नीरज निगम को जो है हाल फिलहाल में निर्देशक नियुक्त किया गया है, क्या चीज़, निर्देशक नियुक्त किया गया है। निरंजन गुप्ता के बारे में आपको लोगों को बताए होंगे, कब, परसों के क्लास में मैं बताया हूँ कि निरंजन गुप्ता जो है हीरो मोटर कार जिसका CEO है, क्या चीज़ है, CEO निरंजन गुप्ता को बनाया गया है हाल फिलहाल में हीरो मोटर्स का CEO। इसका मुख्यालय अगर जो हीरो मोटर के बात कर लेते हैं, तो मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। हीरो मोटर्स तो आग के बारे में बता दिए हैं कि ये जो दो चक्का का जो गाड़ी है वही बनाता है, कौन, हीरो मोटर्स बनाता है, कौन बनाता है, हीरो मोटर्स। तो RBI के बारे में देख लीजिए,
फुल जो मैं बता दिया हूँ, यही है आरबीआई का पूरा डिस्कशन। तो यहाँ जितनी भी क्लास चलती है उससे एक क्लास छूटने वाली नहीं, ऐसा क्लास आप करें जिससे कि करेंट पेपर है तो आपको एक क्लास छूटनी नहीं चाहिए। तो यही देख लीजिए आरबीआई के जो गवर्नर है उसके बारे में, निरंजन गुप्ता के बारे में, अभी जो निर्देशक है, निर्देशक और गवर्नर दोनों में अंतर होते हैं। तो निदेशक इसे नीरज निगम को नियुक्त किया गया है, जबकि इसका वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास है, और जो कैमे नंबर का है शक्तिकांत दास, 25वें नंबर का है शक्तिकांत दास, इससे पहले जो 24वें नंबर के कौन थे, उर्जित पटेल थे। नेक्स्ट देख लीजिए, भारतीय वायुसेना कोप इंडिया लड़ाकू परीक्षण अभ्यास आयोजन किस देश के साथ करने जा रही है। तो भारत जो है कोप इंडिया, यानी कोप इंडिया क्या चीज़, कोप इंडिया जो वायु परीक्षण किसके किसके बीच होगा, वायु लड़ाकू परीक्षण है किसके किसके बीच होगा, तो अमेरिका और भारत के बीच होगा। किसके किसके बीच होगा, अमेरिका और भारत के बीच होगा। और यह कहाँ किया जाएगा तो पश्चिम बंगाल में किया जाएगा। और ये जो कोप इंडिया जो है वो क्या चीज़ है, लड़ाकू प्रशिक्षण यानी एयरबेस का है, क्या चीज़, एयरबेस परीक्षण है यानी हवाई प्रशिक्षण है, क्या चीज़, हवाई प्रशिक्षण है। इसकी शुरुआत अभी नहीं हुई, उसकी शुरुआत कब होगी, कोप इंडियन का शुरुआत कब होगी, तो 10 अप्रैल से ये स्टार्ट होने वाली है। कितना अप्रैल से, 10 अप्रैल से स्टार्ट होने वाली है और 21 अप्रैल तक चलेगा। कब चलेगा, 21 अप्रैल 10 अप्रैल को स्टार्ट होगा और यह 21 अप्रैल तक चलेगा, कौन, कोप इंडिया। और देख लेते हैं भारत और अमेरिका के बीच कौन कौन सा जो है युद्धाभ्यास होता है, तो वज्र प्रहार है जो किसके, भारत और अमेरिका के बीच है। तर्कस। उसके बाद कौन सी, तर्कस के बाद क्या चीज़ हो गया, वज्र प्रहार, तर्कस, टाइगर ट्रंप जो है किसके किसके बीच होता है, भारत और अमेरिका के बीच होता है। उसके बाद और देख लीजिए, रेड फ्लैग जो है किसके किसके बीच होगा, ये भी भारत और अमेरिका के बीच। तो भारत और अमेरिका के बीच कौन कौन सा हो गया, कोप इंडिया हो गया, वज्र प्रहार हो गया, तर्कस हो गया, टाइगर ट्रंप हो गया, रेड फ्लैग हो गया। ये जो कोप इंडिया है, कोप इंडिया के ऑब्जर्वर कौन है, तो कोप इंडिया जो होगा इसका ऑब्जर्वर कौन है जापान। आप सोच रहे होंगे कि ऑब्जर्वर का मतलब क्यों होता है, तो या जो यानी जो 10 अप्रैल से लेकर के 21 अप्रैल तक जो हमारा कोप इंडिया युद्धाभ्यास यानी लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास जो होने वाला है, उसका ऑब्जर्वर मैंने देखभाल कौन करने वाला है, तो जापान देखभाल कौन करेगा, तो जापान करेगा। अब इसके बारे में और कुछ बात कर लेते हैं हम लोग, तो भारत के तरफ से जो भाग लाने वाला कौन कौन सा है, तो राफेल विमान भाग लेगा, राफेल के बाद सुखोई भाग लेगा, और कौन भाग लेगा, तेजस। तो यही जो है, यही सब हैं जो क्या चीज़ भाग लेगा, यही जो है क्या चीज़ भाग लेगा, भारत के कोप इंडिया जो वायु प्रशिक्षण होने वाला है उसमें भाग कौन लेगा, राफेल लेगा, सुखोई लेगा और तेजस लेगा, जो इसमें कोप इंडिया जो युद्धाभ्यास होने वाली है इसमें भाग लेने वाला है। और कुछ जान लीजिए, तो भारतीय वायुसेना कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण आयोजन
किसके साथ किया गया है, तो अमेरिका के साथ किया गया है। किसके साथ किया गया है? अमेरिका। इंडोनेशिया के बारे में जान लीजिए, इन्होंने अपनी नई राजधानी बनाई है। क्या चीज़ बनाई है? नई राजधानी बनाई है। नई राजधानी ये मैंने क्लास में बता चुका हूँ। तो नई राजधानी कहाँ है? नुसनतारा। कहाँ है? नुसनतारा। इसकी जो नई राजधानी है नुसनतारा है। नई राजधानी इंडोनेशिया की नई राजधानी कहाँ है? नुसनतारा है। तो कोप इंडिया जो है एक वायु प्रशिक्षण है, यानी कि वायु में यह जो प्रशिक्षण किया जाएगा वो वायु प्रशिक्षण है। वो कहाँ किया जा रहा है? तो पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? पश्चिम बंगाल में एयरबेग्स प्रशिक्षण है। यह 10 अप्रैल से लेकर के 21 अप्रैल तक होगी। यह कोप इंडिया ऑब्जर्वर इसका कौन है? तो जापान है। और अमेरिका और भारत के बीच कौन कौन सा युद्धाभ्यास होता है? तो बर्ज प्रहार, तर्कश, टाइगर ट्रंप और रेड फ्लैग जो है, ये सब जो है भारत और क्या चीज अमेरिका के बीच होता है। और इंडोनेशिया की जो नई राजधानी है, इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या चीज है? तो इंडोनेशिया की नई राजधानी जो हमारी हो गई नुसनतारा। नुसनतारा क्या चीज? इसकी नई राजधानी है। नुसनतारा इसकी नई राजधानी है। तो अब आगे देख लेते हैं क्या चीज। 5 अप्रैल 2023 को किस योजना ने 7 साल पूरे कर लिए हैं? तो किस योजना जो है, किस 5 अप्रैल 2023 को किस योजना जो है अपना 5 साल पूरा कर लिया है? किस कौन सा योजना जो है अपना 5 साल पूरा कर लिया है? तो हम बात कर लेते हैं स्टैंड अप इंडिया जो योजना है उन्होंने अपना 5 साल पूरा कर लिया है। तो देख लेते हैं स्टैंड अप योजना के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। स्टैंड अप योजना जो है वो भारत में कब आई थी? तो भारत में आई है 5 अप्रैल को। कब? 5 अप्रैल 2016 ईस्वी को आया है स्टैंड अप योजना। और एक चीज़ और जान लीजिए, स्टैंड अप योजना और एक चीज़ ये जो योजना मिलती है स्टार्टअप योजना। क्या चीज़? स्टार्टअप योजना। यानी कि स्टैंड अप योजना और स्टार्टअप योजना दोनों बिल्कुल अलग योजना है। ये आया है 16 जनवरी 2016 ईस्वी को। कब आया है? 16 जनवरी 2016 ईस्वी को स्टार्टअप योजना। अब सोच रहे होंगे कि स्टैंड अप योजना क्या है और स्टार्टअप योजना क्या है। स्टैंड अप योजना जो है एससी और एसटी के विकास के लिए बनाया गया है। क्या चीज़? एससी और एसटी को विकास के लिए बनाया गया है। लेकिन स्टार्टअप योजना जो है तीन वर्ष के लिए जो है क्या चीज़? निगम टैक्स फ्री जो है इसको निगम टैक्स फ्री कर दिया गया है। तो स्टार्टअप योजना और स्टैंड अप जैसे ही बोलते होंगे तो इसका मतलब क्या आता है कि खड़ा हो जाए। तो खड़ा होने का मतलब विकास करना, खुद का डेवलप करना। तो एससी एसटी के लिए 5 अप्रैल 2016 ईस्वी को आया है स्टैंडअप योजना। स्टैंडअप योजना में बताया गया था कि एससी और एसटी को किस प्रकार से विकास करना चाहिए और इसमें 1 करोड़ रुपया का योगदान दिया गया था। कितना? 1 करोड़ रुपया का योगदान दिया गया है। और देखिए स्टार्टअप योजना 16 जनवरी 2016 को आया है स्टार्टअप योजना। स्टैंडअप और स्टार्टअप अलग है। स्टार्टअप का मतलब हुआ कि जैसे कि हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें स्टार्टअप हमको मिलनी चाहिए, बढ़िया स्टार्टअप यानी बढ़िया इसको होनी चाहिए, तो उसी को स्टार्टअप योजना कहते हैं। और इसमें निगम टैक्स फ्री कर दिया गया था ताकि आप आराम से क्या चीज़ बिजनेस लगा सकते हैं और इसको विकास कर सकते हैं। उसके बाद कई योजनाएं भी आया है। पीएम किसान निधि योजना 24 फरवरी 2019 ईस्वी को आई है। क्या चीज़? 2019 ईस्वी को आई है। कौन सी? पीएम किसान सम्मान निधि योजना। उसके बाद क्या चीज़ है? जनधन योजना। तो जनधन योजना कब आया है? तो जनधन योजना के बारे में बात कर लेते हैं। तो 8 अगस्त
8 अगस्त को आया है, 8 अगस्त 2014 ईस्वी को क्या चीज़ आया है, जनधन योजना। उसके बाद उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना की अगर जो हम बात कर लेते हैं तो उज्ज्वला योजना है जो दो बार अभी तक आ चुकी है। कब आई है? दोनों एक बार 2016 ईस्वी में उज्ज्वला योजना आई है, एक बार कब आई है, एक बार 2021 ईस्वी में आई है। 2016 में जो आई थी उत्तर प्रदेश के बलिया से स्टार्ट हुआ था, कहाँ से, बलिया से स्टार्ट हुआ था 2016 में, और 2021 में जो 2021 ईस्वी में जो उज्ज्वल योजना आई थी, उज्ज्वल योजना आई थी वो कहाँ, महोब से आया था, महोब से, कहाँ से आया है, महोब से आया है। तो उज्ज्वल योजना क्या चीज़ है, उज्ज्वल योजना जो है एलपीजी को बढ़ावा देना, यानी सभी को हर घर सिलेंडर की बात कही गई थी मोदी जी के द्वारा कि हर घर को सिलेंडर मिलेगा, सभी जो स्त्रियां हैं धुआं मुक्त होगी। तो यही जो है एलपीजी योजना जो आई है, उज्ज्वला योजना को एलपीजी योजना कहते हैं। एक और योजना है हमारा उज्ज्वल योजना, उज्ज्वल योजना। तो उज्ज्वला योजना और उज्ज्वल योजना जो है दोनों में बहुत ही अंतर है, क्या चीज़, दोनों में बहुत ही अंतर है, क्योंकि उजाला योजना है, उज्ज्वल योजना है और उजाला योजना, क्या चीज़, उजाला योजना, ये जो आया है उजाला योजना, जो आया है उजाला योजना एक मई 2015 ईस्वी को आआया है। कब आया है, 1 मई 2015 ईस्वी को जो आया है उज्ज्वला योजना आया है। और उज्ज्वल योजना जो है एलपीजी से संबंधित है, यानी हर घर सिलेंडर से संबंधित है। उज्ज्वला योजना है मतलब कि हर क्षेत्र को हमको उज्ज्वला, यानी कि इसमें स्ट्रीट लाइट लगाने की बात कही गई थी और हर घर बिजली पहुंचाने की बात कही गई थी, उजाला योजना। तो उजाला और उज्ज्वल में दोनों में ही फर्क है। उज्ज्वल योजना जो आई है 2016 में बलिया से आया था और 2021 में महोब से यहाँ से स्टार्टिंग हुआ था, और इसमें एलपीजी की बात कही गई थी। पीएम किसान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को आया है। जनधन योजना कब आया है, तो 8 अगस्त 2014 ईस्वी को आया है। और अब हम लोग टोटल मोदी जी यानी भारत के टोटल योजनाओं की अब हम बात कर लेते हैं। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना कब आया है, 24 फरवरी 2019 ईस्वी को आया है। जनधन योजना 28 अगस्त, क्या चीज़ हुआ, क्या लिख दिए थे, 28 लिख लीजिएगा, क्या चीज़, जो जनधन योजना है वो 28 अगस्त 2014 ईस्वी को आया है। पीएम उज्ज्वला योजना 2016 में बलिया से स्टार्ट हुआ था और 2021 में महोबा से स्टार्ट हुआ है, कहाँ से, 2021 में महोबा से स्टार्ट हुआ है। उजाला योजना, उज्ज्वल योजना और उजाला योजना एक मई, दोनों में अंतर है, बता दिए अंतर। इसमें जो उजाला उज्ज्वल योजना है एलपीजी हर घर मिला था, लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी हर घर सिलेंडर, सभी महिला धुआं मुक्त होगी इसमें बात कही गई थी। उजाला मतलब कि स्ट्रीट लाइट यानी लाइट टाइट की व्यवस्था को क्या चीज़, उजाला योजना कहते हैं। उजाला योजना 1 मई 2015 को आया है। स्मार्ट सिटी योजना कब आई है, तो 25 जनवरी 2015 ईस्वी को स्मार्ट सिटी योजना आई है। आयुष्मान भारत योजना जो है एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें कि आयुष्मान कार्ड सभी को बनाना होता है, जिसमें कि जिसको हम स्वास्थ्य कार्ड भी कहते हैं। तो 28 सितंबर 2018 ईस्वी को आयुष्मान भारत योजना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, क्या चीज़, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है। 22 फरवरी 2015 ईस्वी को बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और क्या चीज़, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 फरवरी 2015। तो बेटी को बचाना है, बेटी को पढ़ाना है, कब, तो 22 फरवरी 2015 इस पर। स्वच्छ भारत योजना, तो स्वच्छ भारत की बात कही गई है, तो स्वच्छ भारत 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी के चश्मा में लिखा रहता होगा, क्या चीज़, स्वच्छ भारत। तो स्वच्छ भारत जो है आया है 2 अक्टूबर के आया है, और कब, 2014 ईस्वी में आया है। कब आया है, 2014 ईस्वी में आया है। और एक देख लीजिए मेक इन इंडिया जो योजना है 28 सितंबर 2014 ईस्वी के,
मेक इन इंडिया योजना जो है कब आया है, 28 सितंबर 2014 ईस्वी के। इसी प्रकार से जो है हमारा करेंट अफेयर्स का दायरा है वो समाप्त। अब स्टैटिक, क्योंकि करेंट अफेयर्स मैं सिर्फ नहीं बताता हूँ, इसके साथ स्टैटिक भी बताता हूँ, तो आप लोग को हजम होनी चाहिए। हजम नहीं होगी तो मज़ा कैसे आने वाला है, तो हजम कीजिए। क्योंकि करेंट अफेयर्स, और जानते हैं कि हर एग्ज़ाम के लिए करेंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्या चीज़, हर एक एग्ज़ाम के लिए। तो आप भी हमारे साथ मज़ा लीजिए, खूब ऐस करते हुए पढ़ना है और मौज करते हुए पढ़ना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बोरिंग महसूस हो, क्योंकि मैं पीछे से जो भी क्वेश्चन आता है उसको मैं करवाते जाता हूँ, ताकि आपको रिवीजन में रहे। तो रिवीजन करते जाइए, और तितलियों ये सब जो छोटी मोटी हमारी ज़िंदगी में तितलियाँ उतलियाँ हैं उस पर ध्यान नहीं देनी है, क्योंकि आप अगर जो आप पूरा आसमान को अगर जो आप नापना चाहते हैं, पूरा आसमान में अगर जो आप उड़ना चाहते हैं, तो तितली पूरी आसमान में नहीं उड़ती है, आपको बाज की उड़ान उड़नी है। किसकी उड़ान उड़नी है, बाज की उड़ान। क्योंकि जो लड़कियां हैं वो इस प्रकार से करती है अपने हेयर को, तो लड़का जो है तो फिदा ही हो जाता है, तो फिदा नहीं होना है हमारे साथ। देख लीजिए, अब पार्क के बारे में बता लेते हैं। उड़ीसा, उड़ीसा में कौन कौन सा पार्क है, सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा में, भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में, सतकोसिया नेशनल पार्क उड़ीसा में। तो उड़ीसा में कौन कौन सी नेशनल पार्क है, सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा में, सिमलीपाल, भीतरकनिका, और क्या चीज़, सतकोसिया नेशनल पार्क जो कहाँ है, तो वो उड़ीसा में है। उसके बाद देख लीजिए, गुजरात में कौन कौन सा नेशनल पार्क है, ब्लैक बक नेशनल पार्क गुजरात में, गुजरात में ब्लैक बक नेशनल पार्क, वासांडा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क और मरीन नेशनल पार्क कहाँ है, तो गुजरात में। गुजरात में कौन कौन सा है, ब्लैक नेशनल पार्क, वासांडा नेशनल पार्क। एक बार आप लोग भी हमारे साथ बोले, ताकि आपको याद हो जाए, रिवीजन करते 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 आपको याद हो जानी चाहिए, क्योंकि सीजीएल का डेट जो है आ चुकी है, सीजीएल का डेट आ चुकी है, तो इसका भी प्रैक्टिस करना है। और एमटीएस में जो जानबे करते होंगे कि इसका जो है सिलेबस बिल्कुल एसएससी का सिलेबस ही चेंज कर दिया गया है, और एमटीएस में इंग्लिश और जीके जो है कंपलसरी कर दिया गया है। आपका जो मेरिट बढ़ने वाली है वो बढ़ने वाली है किससे, तो मैं जो बनने वाली है जीके और इंग्लिश से बनने वाली, क्योंकि मैं बता दिया हूँ, अगर जो कोई दिक्कत हो एमटीएस के बारे में तो आप मेरा पिछला वीडियो जाकर देख लीजिए, मैं एमटीएस में कौन कौन से पैटर्न चेंज हुई है, कैसे कैसे एग्ज़ाम लेने वाले, मैं टोटल उसमें बता दिया हूँ, तो हुआ भी जा करके आप इसके बारे में बढ़िया से जानकारी ले सकते हैं। तो सीजीएल का भी डेट आ गया, सीजीएल में भी जानते हैं कि जो जीके है वो महत्वपूर्ण है, तो जीके महत्वपूर्ण है, तो आप जानते होंगे कि करेंट अफेयर्स जो होती है काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, तो करेंट अफेयर्स में एसएससी के लिए और सभी एग्ज़ामों के लिए करेंट अफेयर्स महत्वपूर्ण होती है, तो सभी एग्ज़ामों के लिए मैं करेंट अफेयर्स जो है मैं बढ़िया से करवा रहा हूँ, बिल्कुल फुल तरीके, फुल डिस्कशन के साथ, ताकि आपको कहीं से कोई भी जो है वो छूटे, कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए। तो देख लीजिए, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वासांडा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क और मरीन नेशनल पार्क जो है कहाँ है, गुजरात में है। उसके बाद देख लीजिए, छत्तीसगढ़, इंद्रावती नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, किनगौर वैली नेशनल पार्क और क्या चीज, उदंत सीता नंदी नेशनल पार्क जो है कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है, कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। असम में कौन कौन सा है, काजीरंगा नेशनल पार्क जो बहुत ही फेमस है, कई बार एग्जाम में आ भी चुका है, औरंगा नेशनल पार्क ये भी फेमस है, नामेरी नेशनल पार्क ये भी फेमस है, और जो असम है उसको महत्वपूर्ण मान लीजिएगा, क्योंकि ये जब जो है ये सब जो है बहुत बार पूछे गए एग्जाम में, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क और दिब्रसौखोवा नेशनल पार्क जो है कहाँ है, तो असम में है। उसके बाद देख लेते, मध्य प्रदेश में कौन कौन सा है, पेच नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, बांध वगड़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, संजय दुबरी नेशनल पार्क, डायनासोर नेशनल पार्क और फैसिल्स नेशनल पार्क जो है कहाँ है, मध्य प्रदेश। तो इतनी सारी मध्य प्रदेश के जो है क्या चीज़, नेशनल पार्क है। तो ये आपको ये सब नेशनल पार्क जो है, ये जो हाईलाइट होती है वो अब एग्जाम में नहीं पूछता है, क्योंकि जान गया है एग्जामिनर कि बच्चा जो है हाईलाइटेड क्वेश्चन ज़्यादा, तो ये सब को आपको याद करने होगी।
मध्य प्रदेश के पेंच नेशनल पार्क, आप भी एक बार हमारे साथ बोल लें, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, बांध गवड़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, संजय दुबरी नेशनल पार्क, डायनासोर नेशनल पार्क और फैसिल्स नेशनल पार्क जो है कहाँ है, हमारे मध्य प्रदेश में है, कहाँ है, मध्य प्रदेश में। उसके बाद महाराष्ट्र में देख लीजिए, चंदोली नेशनल पार्क, ताड़ोबा नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, नवे गांव नेशनल पार्क जो है, ये सब क्या चीज़ है, मच्छर जो है ना, कहाँ चल गया, हाँ देख लीजिए, बोर टाइगर रिजर्व यानी इसी टाइगर रिजर्व में एशिया का जो सर्वाधिक टाइगर है जो बोर टाइगर रिजर्व में है, सह्याद्री टाइगर रिजर्व, मेल घाट टाइगर रिजर्व जो कहाँ है, महाराष्ट्र में पड़ता है, कहाँ, महाराष्ट्र में। उसके बाद देख लीजिए कर्नाटक में कौन कौन सा है, तो नगरहोल नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, ये सब, ये दोनों है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो इबनेर भट्टा नेशनल पार्क, ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये हर बार पूछ देती है। तो बिहार पुलिस को जो तैयारी कर रहे हैं और बिहार दरोगा का जो तैयारी कर रहे हैं, ये सबको ध्यान दीजिएगा। नागरहोल, बांदीपुर, बनेर भट्टा नेशनल पार्क कहाँ है, तो कर्नाटक में है। अंशी नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये भी कर्नाटक में। कुद्रेमुख नेशनल पार्क, भद्रा टाइगर रिजर्व, यानी ये तीनों है जो एसएससी वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है कि एसएससी वाले को जो जीके रहता है वो काफ़ी टफ होता है, तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। तो इसी प्रकार से जो मेरी करेंट अफेयर्स की दायरा चल रही है और स्टेटिक की दायरा चल रही है, आज के लिए इतना ही। तो आप लोगों को कैसे लगी, अगर अच्छे लगती है तो आप भी हमारे चैनल जो रुक्मिणी एजुकेशन चैनल है उसको आगे शेयर करें, और इसका जो अभी तक इसका जो चैनल है, हमारे चैनल रुक्मिणी एजुकेशन, अगर जो इसका सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें। तो आपसे कल मिलते हैं, इसी के साथ धन्यवाद।